शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय। महादेव, मेरे पति मुनि विश्वालर को दर्शन दे दीजिए। महादेव, ये सारे फूल मेरे, मैंने पिछले वर्ष ये इच्छा प्रकट की थी कि मुझे आपके समान पुत्र को पालने का सौभाग्य प्राप्त हो। मेरे इच्छा पूरी करने हेतु ही आपसे ऐसा वर पाने के लिए ये नर्मदा से यहाँ काशी आ गए। एक वर्ष से ये आपकी तपस्या में यही लीन है। अब मैं भी सब कुछ त्याग कर यही आ गई हूँ। दर्शन दीजिए महादेव, दर्शन दीजिए। अपने भक्तों की इतनी परीक्षा मत लीजिए महादेव, हमें दर्शन दीजिए। प्रभु, दर्शन दीजिए हमें। महादेव, दर्शन दीजिए हमें, दर्शन दे दीजिए प्रभु, दर्शन। प्रभु, आज एक लंबे अंतराल के पश्चात आप दोनों के एक साथ दर्शन हो रहे हैं। यदि आप दोनों की अनुमति हो तो क्या मैं आपकी एक परिक्रमा कर सकता हूं? हाँ प्रभु, ये हम सभी के लिए अति सौभाग्य की बात होगी। अवश्य। ऋषि भृंगी, आप आगे नहीं गए? ऋषि मार्कंडे, मैं अंत में जाना चाहता हूं ताकि परिक्रमा करने में समय ले सकूं। Thank you.
साधु एक बार परिक्रमा करके तृप्ति ली, कृपया एक बार और परिक्रमा करने की अनुमति दीजिए। दूसरी परिक्रमा? क्या इस बार आत्मग्लानी के कारण ऋषि भृंगी दोनों की परिक्रमा करेंगे? नहीं देवर्षि, आदिशक्ति और महादेव ऋषि भृंगी को अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा देने वाले। आपने पुनः केवल पुरुष की परिक्रमा की। तात्पर्य यह हुआ कि आपको प्रकृति की परिक्रमा मान्य नहीं है। अर्थात आपको प्रकृति की कोई आवश्यकता नहीं, आप केवल पुरुष तत्व से ही संतुष्ट। हमारी इच्छा है कि हम आपको इस पुरुष प्रकृति के विवाद से ही मुक्त करें। हम आपको एक वरदान देना चाहते हैं। आपसे आपका शरीर आपके विचारों के अनुकूल हो जाए। जिस प्रकार आपको पुरुष तत्व स्वीकार और स्त्री तत्व नहीं, उसी प्रकार आपका शरीर भी स्त्री तत्व से मुक्त हो जाएगा।
मुझे क्षमा कर दीजिए माता, मुझे अपनी भूल की अनुभूति हो गई। हट में आकर जो ज्ञान में स्वीकार नहीं कर रहा था वो इस एक क्षण में मुझे समझ आ गया। माता मुझे क्षमा कर दे, क्षमा कर दीजिए मुझे माता। मुझे क्षमा कर दी माते, मुझसे भूल हो गई। क्षमा कर दीजिए माता, क्षमा कर दीजिए। जीवन के इतने वर्ष मैंने किस अंधकार में व्यतीत करे हैं ये आज मुझे पता चला। भक्ति की संकीर्णता भक्त और आराध्य के मध्य से सबसे बड़ा अवरोधक है, ये बोध मुझे आज हुआ। क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। ऋषि भृंगी, पुरुष और प्रकृति एक है, वो कभी पृथक नहीं हो सकते। शक्ति शिव के बिना अधूरी है। शिव तो शक्ति के बिना शव के समान है। शिव शक्ति पुरुष प्रकृति का संतुलन सदैव अनर्थकारी सिद्ध हुआ, जिस प्रकार आपके साथ हुआ। त्रितत्वों के आपसे अलग होते ही आपके शरीर में कुछ भी शेष नहीं रहा। शरीर में यदि स्त्री तत्वों की ऊर्जा नहीं तो शरीर निर्जीव है। शक्ति और शिव के संपूर्ण रहस्यों को समझ लेना भक्ति ज्ञान और तपस्या की पराकाष्ठा है। जब ज्ञान के लिए शब्द पर्याप्त ना हो उदाहरण प्रस्तुत करना अनिवार्य हो जाता है। केवल आपके लिए ही नहीं अपितु आपके माध्यम से समस्त संसार को शिव और शक्ति की संयुक्तता से पुनः अवगत कराना इस प्रसंग का उद्देश्य था, जो पूर्ण हुआ। इसीलिए मैंने पार्वती से इस ज्ञान सभा में सम्मिलित होने का निवेदन किया था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रणाम। प्रतीक्षा करिए, किंतु आप आक्रमण की तैयारी में। किंतु मुझे वरदान प्राप्त है, मेरा वध कोई नहीं कर सकता, फिर मुझे किसी से कैसा भय। ताड़कासुर, वृत्रासुर और जलंधर इन सभी को देवताओं के वरदान प्राप्त थे, किंतु देवताओं ने उनका संहार करने के लिए कोई ना कोई उपाय ढूंढ निकाला। प्रतीक्षा करिए दुर्गासुर, उचित अवसर की प्रतीक्षा करना अनिवार्य है। अपने स्वप्न, अपने लक्ष्य को आवेग में आकर पूरा न कर पाना आपकी सबसे बड़ी भूल न सिद्ध हो जाए।
पेंशनर। तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं हुई। तो क्या आप मेरे स्वामी की तपस्या से प्रसन्न हुए? अवश्य। कहो विशुला, क्या वरदान चाहिए थे? प्रभु, क्या माता पिता के रूप में हम आपको प्रेम करके अपना जीवन सार्थक कर पाएंगे?